क्या आप आर्ट में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको एक सही राह की जरूरत है तो आज ही संपर्क करें राह एकेडमी से BFA कोचिंग एंड फाइन आर्ट क्लासेस के लिए। तो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं 000 का ब्रश डिटेलिंग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अभी जो इसके गहने वगैरह इनको चमकाया जा रहा है। अभी हमने सबसे पहले क्या करा, ये जो बेस ये बहुत ऐसे पतला पतला कलर है ना, पहले मैंने क्या करा डायरेक्ट वाइट कलर यूज नहीं करा है ना, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने थोड़ा ब्लू टच करके हल्का सा अंबर यूज करने के बाद में फिल करने के बाद में डैप, फिर मैंने उसको डार्क से दोबारा आउटलाइन करी है इधर। अभी मैंने इसमें हाईलाइट नहीं लगाई, सिर्फ ओनली डार्क से, बाद में जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर इस पर टच कर दूंगी। तो अभी ये भी थोड़ा निकल, अभी इस पर यहाँ पर हाईलाइट देखो, हाईलाइट पूरा वाइट यूज़ कर, पूरा वाइट वैसे होता तो नहीं है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा उसमें टच करके चला दो। सिर्फ नेपल येलो टच करा है मैंने वाइट को। अभी क्या है यहाँ पर टैप और ये सब निकलेगा ना, हो जाएगा डिटेलिंग की थोड़ी जरूरत है बस, इसमें छोटे छोटे मोती भी ऐसे हो जाएंगे करना। ओके कैसा लग रहा है काम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा जो काम है ये क्रिएटिव वर्क है, थोड़ा सा जोड़ तोड़ के बनाया है, कुछ अपनी भी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, थोड़े बहुत जो इसमें यूज़ है इनको कम्प्लीट कर दो है ना, ये सूख जाए ना थोड़ा कैसे, और ये सारे मोती देखिए ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट है 95%। थोड़ा सा इसमें अच्छी दे दी है, कहीं कहीं हाईलाइट है देखो, यहाँ दे दी इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है ना, एक रोज वगैरह बस इसी चीज़ की कमी है। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि पैच वर्क थोड़ी है, पैच वर्क तो जैसे ये हो गया इस टाइप का, बट हम तो इसको फिनिशिंग एक रियलिस्टिक की तरफ ले जा रहे हैं, तो हर चीज़ क्लियर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बस। इसके जो आर्नामेंट्स वगैरह हैं इनका काफ़ी कुछ भी देखो होगा अभी काम बस, तो सबसे पहला इन चीज़ों के लिए अच्छा है इसको छेड़ने की जरूरत है बस। इसके अंदर कहीं कहीं पर यहाँ पर बीच में दाग आएगा इन दोनों के बीच में, ये पूरा मत लगा देना बीच वाला जो ब्राउन है, इन दोनों ब्राउन के बीच में आना चाहिए बहुत इन लाइन, लाइक हेयर हेयर जैसी लाइन आनी चाहिए, सेम एज इधर सेम एज इधर। ये मोतियों का मैंने देखा कैसे आउटलाइन पहले बनाया ड्रॉ करा दैन उसको मैंने, अब इसको एक बार आप करो फटाफट ठीक है, और स्पीड भी मैं स्पीड पे क्लाइंट बैठा है अरे भैया कम मिलेगी मेरी पेंटिंग, बाकी अच्छा लग रहा है।
जी। ये हो रहा है बहुत ज्यादा डार्क। नेट हो रहा है, देखो अभी इसमें मर्ज होगा ना। जैसे जैसे इसमें रिक्वायरमेंट होती रहे उस हिसाब से, अभी जैसे ये आउट हो गया इधर ब्रश ज़्यादा चल गया उसको, तो देखो अभी मटका कराया हमने, इससे पहले आपने देखा होगा अभी इसमें से बटर निकलेगा, बटर वाइट बटर। फिर इसमें गलती ना हो, जो आपसे पेंसिल के टाइम पे गलती हो गई है ना उनको समझ के आपने उनके आई जो है इसमें ठीक है कंपोजिशन उन्होंने समझा। फिर उसके बाद में अपने ड्राइंग पे क्या करना, पेन यूज़ करना, पेन के बाद में उसको इरेज करना ठीक है। ये पेन तो दूसरा वाला है ठीक है, दूसरा एक आता है वाटर प्रूफ पेन हो गया। अब देखो यहाँ पर छूटने हैं, इसमें पैटर्न्स दिखाने हैं। इसके ऊपर फिर कलरिंग होगी ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी एक एक फिगर बना के या तो उसको पेन से कंप्लीट करके करो ठीक है, जैसे ये बना इसके ऊपर चला के देखो, ट्राई करके देखो बार बार, गलती होगी कोई बात नहीं। चंद महीनों में प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बनाना सीखें और घर बैठे अपनी हॉबी से अर्निंग करें, तो आज ही ज्वाइन करें रहा एकेडमी।